MyCitySearch.com presents नारी शक्ति मिलिए कर्मठ एवं प्रेरणादायी नारी शक्ति। नारी शक्ति के प्रायोजक हैं आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, गीतांजलि एजुकेशन एकेडमी। नारी शक्ति के सह प्रायोजक हैं अरुमा प्लीज, एकलव्य एकेडमी, द वर्ल्ड प्रो। धन्य धन्य नारी जीवन, औरों को ही तो अर्पण। धन्य धन्य नारी जीवन, औरों को ही तो अर्पण। अपने लिए तू सोचे ना। धन्य धन्य नारी जीवन, औरों को ही तो अर्पण। अपने लिए तू सोचे ना। नमस्ते, माय सिटी सर्च प्रेजेंट नारी शक्ति सम्मान में आपका मैं साक्षी शर्मा स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं गंगानगर। आज मैं आपको देवास की ऐसी नारी शक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जो कि अपने पति के साथ हुई दुर्घटना के बाद न कि खुद को और अपने पति को बल्कि अपने परिवार और बच्चों को भी संभाल रही है। आइए आज हम मिलते हैं अनिता मालविया जी से। नमस्ते अनीता जी, मैं नारी शक्ति सम्मान से साक्षी शर्मा। मैं अनीता मालविया। पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम अनीता मालविया है, ये मेरे हस्बैंड हैं जितेन मालविया जी। कहाँ तक पढ़ी हैं आप अनीता जी? मैंने बीएससी किया है बायो से। मैं मतलब गांव में कोचिंग करने के लिए जाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ और बाकी समय में घर में इनकी भी सहायता करती हूँ। हमें ऐसा पता चला था अनीता जी आपके बारे में कि आपके जीवन की कोई ऐसी कठिनाइयाँ या कोई परिस्थिति ऐसी है जिसकी वजह से आप पढ़ाने जा रही हैं और कुछ काम कर रही हैं, तो क्या कारण है वो हमें हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, मेरे हस्बैंड मतलब अच्छी जॉब में थे, तो किसी कारण से उनको मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि सिर दर्द और ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई थी, तो जॉब उनको छोड़ना पड़ा था। फिर घर की परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने लगी क्योंकि बच्चे भी मेरे उस टाइम छोटे थे, तो फिर हमने सोचा, इन्होंने बोला कि तुम पढ़ी लिखी हो तो कुछ करो, तो मैंने सोचा कि घर में रह बाहर निकलूंगी तो सबको परेशानी होगी क्योंकि अभी उस समय बहुत ज़्यादा इनको परेशानी चल रही, डिप्रेशन में आ गए थे, एक तो जॉब भी छूट गया था उसके कारण। फिर मैंने स्टार्ट किया सिलाई से क्योंकि मुझे आती थी पहले से, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया मेरा। और फिर इन्होंने कहा तुम इतना पढ़ी लिखी हो तो सिलाई से कोई मतलब नहीं है, आगे कुछ करो अपनी पढ़ाई को लेके। फिर मैंने गांव में गई और सर्वे किया और वहीं से कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। जी कि आपके पति को कि जिसकी वजह से आपको उनका सपोर्ट करना पड़ा और फैमिली के साथ साथ आपको काम भी करना पड़ रहा है। इनको मतलब ब्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी, ग्लूकोमा डिसीज हो गई थी, जिसके कारण क्या है कि दिखना बंद हो गया था इनको एक समय, तो इतना था कि मतलब ये घर में भी कुछ अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते थे, तो कंपनी फिर इनको मतलब जहाँ पे जॉब करते थे वो बंद ही करनी पड़ी इनको अपनी तरफ से। कौन सी कंपनी में वर्क करते थे ये? पहले तो मतलब एलम्बिक में जॉब किया इन्होंने और वहीं से इनको फिर प्रॉब्लम होने लगी। जैसे कि आपने बताया कि आप जॉब भी कर रही हैं और अपने बच्चों को भी संभाल रही हैं और घर भी देख रही हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ी बेटी है और फिर सेकंड नंबर पे बेटी है और सबसे छोटा बेटा है मेरा। वो बड़ी जो बेटी है वो 11th में है, फिर सेकंड वाली 5th में है और सबसे छोटा 3rd क्लास में है। जैसा कि आपने बताया कि आप टीचिंग करते हैं, पढ़ाने जाते हैं, तो पढ़ाते हैं तो कहाँ पढ़ाते हैं? कोचिंग घर पर ही पढ़ाते हैं क्या? नहीं, मैं यहाँ से 4 किलोमीटर एक गांव है, फिर वहाँ से 2 किलोमीटर और आगे गांव है, यहाँ से 4 किलोमीटर मेंढकी चक पड़ता है, वहाँ जाती हूँ मैं कोचिंग लेने, और फिर उससे 2 किलोमीटर आगे पड़ता है एक चंदाना गांव, वहाँ जाती हूँ। कैसे आप मैनेज करती होंगी अपने बच्चों के साथ घर को भी और अपने हस्बैंड को भी और फिर जाना, क्या टाइमिंग रहता है आपका? सुबह 6 बजे से 8 बजे तक है मॉर्निंग में, तो बच्चों का स्कूल का टाइम रहता वही वाला, तो टिफ़िन की परेशानी जाती है, तो मेरे हस्बैंड सब्जी वगैरह फ्राई कर लेते हैं और बड़ी बेटी है
जो रोटी वगैरह बना लेती हूँ। फिर मैं वहाँ से आती हूँ, 8 बजे कोचिंग मेरी जब समाप्त होती है तो बच्चे जब तक 8 बजे जा चुके होते हैं घर से, फिर 8:15-8:30 बजे तक घर आती हूँ मैं। फिर इनको लंच वगैरह जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। उसके बाद में मुझे मार्केट वगैरह का भी काम रहता है, जैसे बिल वगैरह भरना है और मकान का किराया है, ये सब के लिए मार्केट में कुछ बहुत सारे काम रहते हैं, बच्चों की फीस है। उस बीच में 12-1 बजे तक कंप्लीट कर लेती हूँ। 1 बजे ये घर आ जाते हैं, फिर हम खाना वगैरह खाते हैं। उसके बाद में 2:30 बजे फिर मैं कोचिंग चली जाती हूँ। फिर 8 बजे तक मेरी कोचिंग रहती है, 8 बजे वहाँ कोचिंग से होकर मैं फिर घर आती हूँ। तो आपने गांव में ही पढ़ाने का क्यों सोचा? देवास में भी आप पढ़ा सकते थे, यहाँ पर भी। मैं बहुत पहले जब स्कूल में पढ़ाती थी तो हम लोग स्कूल से सर्वे के लिए गांव में जाते थे। वहाँ लड़कियों को देखा कि 8th-7th पढ़ा के घर पे बिठा लेते, तो जब लड़कियों से हमने बात की तो वो बोले कि मैडम हम लोगों को आगे पढ़ाया नहीं जाता, या तो सरकारी में पढ़ना पड़ता है या प्राइवेट फॉर्म भराना पड़ता है, फिर हम फेल हो जाते हैं क्योंकि कोचिंग ही नहीं यहाँ पर। और लड़के तो अपनी साइकिल उठा के शहरों में चले जाते हैं कोचिंग के लिए। फिर वो चीज़ मुझे हमेशा लगती थी कि जब हम इतनी बच्चे लड़कियों के लिए आगे सोच रहे हैं कि लड़कियों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, और लड़कियां तो पीछे ही है, चाहे वो गांव की हो या शहर की हो, तो उनकी सुविधा के लिए मैंने गांव का निर्णय लिया कि मेरे को गांव में पढ़ाना है। आपने हमें बताया था कि सुबह 6 बजे से आपको यहाँ से निकलना होता है, तो कैसे जाते हैं आप वहाँ तक? जी मैम, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो साइकिल से शुरू की मैंने कोचिंग, क्योंकि एक रिस्क थी नई नई जगह जाना, तो कोचिंग शुरू की मैंने साइकिल से। साइकिल से गई मैं, फिर मेरी बहन की लूना ली मैंने, स्टार्ट की उससे जाना, फिर देखा कि मेहनत की और गांव में अंदर लोग मुझे बुलाने लगे कि दीदी आप यहाँ आकर पढ़ाओ, फिर मैंने अपनी खुद की स्कूटी खरीदी और जाने लगी। आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से रोजगार उन्मुखी कोर्सेज से बनाइए अपना कैरियर। NIIT से अधिकृत सेंटर आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से कीजिए टेली ERP कोर्सेज। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से मान्यता प्राप्त PGDCA DCA कोर्स के साथ ही महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय जबलपुर से मान्यता प्राप्त BA BCOM BSc BBA MA MCOM MSc इत्यादि में प्रवेश लीजिए। बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज DTP कोर्सेज के अलावा C++ HTML जावा SQL ओरेकल वेब डिजाइनिंग के कोर्स कर चुने एक सफल कैरियर। गर्मी की छुट्टियों के लिए स्पेशल स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, सभी कोर्सेज के लिए प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश हेतु संपर्क करें आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, 234 MG रोड, रेड चीफ शोरूम के ऊपर, देवास। संपर्क 07272250662, मोबाइल 9691977121। गीतांजलि एजुकेशन एकेडमी उचित शिक्षा प्रदान कर बच्चों को वास्तविक यानी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सुशिक्षित, संस्कारित तथा कर्मठ व्यक्तित्व प्रदान करता है। यह बच्चों का दूसरा घर भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ टीचर्स द्वारा पेरेंटल केयर प्रदान की जाती है, ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश पर स्पेशल अटेंशन दिया जाता है। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल के स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण में दी जाती है। स्कूल पार्लियामेंट जो बच्चों के अंदर नेतृत्व एवं अनुशासन की भावना जगाता है। कल्चरल एक्टिविटीज एजुकेशनल बेस्ड होती है। डिजिटल एजुकेशन बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में मदद करता है। अतः अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए गीतांजलि एजुकेशन एकेडमी में प्रवेश दिलाएं। गीतांजलि एजुकेशन एकेडमी, आनंद ऋषि नगर, देवास, 9826211012545 94। जैसा कि आपने हमें बताया था कि कुछ समय पहले 2009 में आपके हस्बैंड के साथ कुछ दुर्घटना हो गई थी, तो इस समय में आपकी प्रेरणा का स्रोत कौन बना था? देखिए, ऐसे तो मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन खास है मेरी बहन और मेरी मम्मी, क्योंकि ये तो उतने डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा थे। मम्मी ने एक ही बात बोली कि ये सब चीज़ें छोड़ के तुम अपने बच्चों की तरफ फैमिली को संभालना है तुमको, इसलिए अब तुम्हारा साथ देगी तुम्हारी शिक्षा से। मैंने सोचा कि मैं सिलाई से स्टार्ट करती हूँ, तो हमारे पति ने कहा कि
मतलब तुम ये इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद सिलाई क्यों कर रही हो? तुम पढ़ा सकती हो, स्कूल में जाओ या कहीं पे जॉब करो। फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहे और इस तरह से मैंने आगे सोचा। अब आप हमें अपने जीवन का सबसे कठिन क्षण बताइए। सबसे कठिन पल तो मुझे उस समय लगा जब मुझे अचानक इनका फोन में जब फर्स्ट टाइम इनका जब पता चला कि आंखों की रोशनी चली गई है। तब मैं अपने ससुराल में थी और ये जॉब पे थे। अचानक फोन आया कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है मेरे साथ, ऐसा लग रहा है कि एडमिट होना पड़ेगा। तो मुझे मतलब समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। जब मैं इनके पास आई, वहां देखा मैंने कि बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है और मेरे उस समय बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, तो उस समय मतलब बहुत ज़्यादा कठिन भरा था। और कुछ समय के बाद पता चला कि अब जॉब भी चली गई है, तो भी समझ में नहीं है कि अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि उस समय मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ थी और बच्चों को संभाल रही थी। फिर जब इलाज के लिए इनके पैसे की जरूरत पड़ी तो हमें मकान भी बेचना पड़ा, वो मेरे जीवन का सबसे कठिन क्षण था। जैसे कि आपने बताया कि आपके 3 बच्चे हैं, तो आपकी शादी को भी काफी समय हो चुका है और आपकी पढ़ाई को भी काफी समय हो चुका होगा पूरा होने में, तो इतने सालों के अंतर में भी फिर आपने कैसे आप इस चीज में वापस आई, कैसे आपने अपनी पढ़ाई को फिर से एक नया मोड़ दिया और यहाँ तक आप पहुंची उसे लेकर? देखिए, सभी लोग बोलते हैं कि सबसे अच्छा मित्र इंसान का सिर्फ पुस्तक होता है, तो मैंने किताबों को कभी नहीं छोड़ा। और फिर मेरा जब इतना गैप हो गया तो मुझे मैथ्स में और इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि सभी अब चेंज हो गया, सब कोर्स चेंज हो चुका है, CBSE आ गया MP बोर्ड से, तो वहाँ मुझे बहुत परेशानी आने लगी। लेकिन मेरी बहन ने वहाँ पर बहुत सपोर्ट किया, उसने मुझे पूरा बेसिक मैथ्स से इंग्लिश वगैरह सब कुछ किया और काफ़ी हेल्प मिली उससे मुझे। तो जो भी मुझे प्रॉब्लम आती, मैं तुरंत वो पास में रहती है और मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए उसके पास जाती थी। इस तरह से मैंने कभी भी अपनी पढ़ाई को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को पढ़ाने के साथ जो प्रॉब्लम होती मैं रात को भी ये काम मतलब कंप्लीट करती थी कि मुझे आगे क्या करना है। अनीता जी, अब आप हमें अपने जीवन का कोई एक खुशी का क्षण ये बताइए। जब मैंने पढ़ाई की तो अपने पैसों के दम पे मैंने कुछ भी नहीं किया था, और जब मेरी शादी हो गई तब भी मैंने अपने लिए या अपनी पैसों से कभी कुछ नहीं खरीदा कि हाँ कुछ मतलब किया हो आगे। लेकिन जब मैंने इतनी मेहनत के बाद जब अपने लिए गाड़ी खरीदी, स्कूटी खरीदी, तो मुझे जब मैं उस पर बैठी पहली बार, तो मुझे सच में ऐसा लगा जैसे कि एक जो पक्षी नीचे चल रहा और उसको पंख लग गए होंगे। वही मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और खुशी का क्षण था। बातों ही बातों में हमें पता चला है अनीता जी कि काफ़ी कठिनाइयाँ भरी परिस्थितियों से आपको निकलना पड़ा है, तो हम जानना चाहते हैं कि आप समाज को और भी दूसरी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? कि समाज को तो संदेश ये है कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत परेशानी होती है कहीं भी निकल, आप इसी महंगाई वाले जमाने में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते अगर छोटा वर्क भी करेंगे तो। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, पहले चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, सबको अच्छे संस्कार हैं। शिक्षा से भी केवल काम नहीं चलेगा, क्योंकि शिक्षित तो आजकल बहुत सारे, लेकिन उनमें संस्कार ही नहीं है, वो मतलब शिक्षा प्राप्त कर ले, स्कूल में भी ये नहीं सीख पाते हैं कि नारी का या किसी बच्ची का सम्मान करना चाहिए हमें। अगर वो ये नहीं सीख पाएंगे तो वो अच्छे पूरे अच्छे समाज का निर्माण ही नहीं कर पाएंगे, और जब तक हमारे अच्छे समाज नहीं होगा तब तक हमारे अच्छे देश या भविष्य का निर्माण नहीं होगा। उस तरह से जो आजकल घटनाएं हो रही छोटी छोटी बच्चियों के साथ, वो लगातार होती है, क्योंकि हमने देखा है जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसलिए सभी, चाहे पुरुष हो मतलब है बेटी हो या बेटे हो, हर माता पिता को उनको संस्कार भी देना है और हमारे जो परिवार है उसके रखना है, ताकि बच्चे भटके ना। अरोमा 20 ब्यूटी केयर एंड सलून, आपकी खूबसूरती में लाए निखार। अरोमा 20 पर खास आपके चार्मिंग लुक के लिए है एंटी एक्ने ट्रीटमेंट, एंटी पिगमेंशन ट्रीटमेंट, स्किन लाइटिंग ट्रीटमेंट, स्किन फर्मिंग ट्रीटमेंट, फेशियल्स, वो भी आधुनिक सुविधाओं के साथ।
इसके साथ ही अरोमा 20 का परमानेंट हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर रिबाउंडिंग और हेयर स्मूथनिंग से आप अपने लुक को दे सकती हैं एक स्पेशल टच। अरोमा 20 का ब्राइडल मेकअप होता है देवास में सबसे बेस्ट। अरोमा 20 ब्यूटी केयर एंड सैलून ओनली फॉर लेडीज, एक गोमती नगर, राजा टावर, एबी रोड, देवास। फोन 07272402777, मोबाइल 9907891777, 9009003111। वार्डरोब देवास में फैशन की एक नई पहचान। ब्रांडेड एवं इकोनॉमिक्स मेंस वियर के लिए अब आपका फाइनल डेस्टिनेशन होगा वार्डरोब, जहां खास आपके लिए उपलब्ध है जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, ट्राउजर्स, पोलो जीन्स, चिनोस, मेंस वियर की परिपूर्ण रेंज, साथ ही आपकी पर्सनालिटी पर जचने वाले बेल्ट तथा परफ्यूम की एक्सक्लूसिव रेंज। वार्डरोब 4 अग्रोहा नगर, एबी रोड, डोमिनोज के सामने, देवास। वार्डरोब सिर्फ नाम ही काफी है। अगर आपका सपना है नीली बत्ती वाली गाड़ी के साथ सायरन की आवाज, तो तुरंत ज्वाइन करें एकलव्य एकेडमी, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज, सबसे बेहतर सबसे आगे। अनुभवी एवं स्थायी फैकल्टीज द्वारा अध्यापन, रेगुलर टेस्ट सीरीज, अध्ययन हेतु लाइब्रेरी की सुविधा, प्रतिदिन डाउट सॉल्विंग क्लासेस, विषयगत नोट्स के साथ पृथक पृथक क्लासेस, प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी पाने हेतु परीक्षाओं की तैयारियां करवाने वाला देवास का रिजल्ट ओरिएंटेड विश्वसनीय इंस्टीट्यूट एकलव्य एकेडमी। विद्यार्थी हित में समर्पित एकलव्य एकेडमी पर पूर्व चयनित एवं अनुभवी मार्गदर्शकों द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन भी पाइए, सबसे बेहतर सबसे आगे। एकलव्य एकेडमी, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज, 420 गंगानगर, भेड़िया शूज के पास, देवास। मोबाइल 9039158515। जिसे तो हमने उनके जीवन के कुछ छुए और अनछुए पलों के बारे में बातें साझा कर ली हैं। अब हम कुछ बातें करते हैं अनीता जी के हस्बैंड से। नमस्ते सर। जी सर, कुछ बताइए आप अपने बारे में। मैं रिनवेक्सी में जो था पहले, 92 से ज्वाइन किया मैंने, और 17 साल मैंने रिनवेक्सी में जॉब किया। फिर 2 साल में अलेम्बिक में जॉब किया मैंने, उसी दौरान मुझे ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गया, तो मेरे ये दोनों आँखों का विजन खराब हो गया, जिस वजह से मैं जॉब करने में असमर्थ हो गया। तो फिर मेरी वाइफ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, हर मेरे डिप्रेशन में भी आ गया था, मेरा जॉब चला गया था, तो मैं काफ़ी परेशान था, सिर में भी काफ़ी तकलीफ थी। तो हर पल मेरे वाइफ ने, बच्चों ने, सब ने, और मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे साढ़ू भाई हैं, मेरी साली है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इस वजह से मैं आज दोबारा फिर उठ खड़ा हुआ हूँ। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे, मेरी एक शॉप है साची पैंट है, जिसके कारण जिसमें मैं मतलब नई दुकान डाली मैंने और शॉप पे करने लगा मैं काम, और अब मैं अच्छी तरह खुश हूँ और अपने बच्चों को और बीवी सहित बढ़िया प्रसन्न पूर्वक रहता हूँ। सर, जैसा कि हाँ हमने अनीता जी से भी बात की तो पता चला कि ऐसा कि आप पहले जॉब करते थे और काफ़ी समय बाद फिर उन्होंने जॉब करना शुरू करा, उसके बाद जब वो जॉब करने लगे तो वो आपको भी संभालते थे, परिवार को भी संभालते थे, बच्चों को भी, उनका भी ध्यान रखते थे, क्या खुशी मिलती थी आपको या क्या वो पल आपके लिए मायने रखते थे, कैसा लगता था आपको? जब मैं डिसेबल हो गया काम करने के लिए, तो मेरी पत्नी ने हर तरफ से मेरा सपोर्ट किया, और मैंने उसको गाइड भी किया कि नहीं, अपन मिलके, दोनों मिलके किसी भी तरीके से अपनी लाइफ को फिर से सेटल करेंगे, और अपने जीवन में जो बच्चों को परेशानी किसी भी हालत में नहीं आने दें। और इसी आत्मशक्ति की वजह से हम दोनों ने मेहनत की, हर तरफ से हम लोगों ने कोशिश कर करके हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम किया, उनकी फीस का इंतजाम किया, और पूरी आत्मशक्ति के साथ हम मेहनत करते रहे, और इसी का कारण है कि जो आज हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, वो आगे पढ़ाई में भी अच्छे हैं और अपना लाइफ संस्कार और जीवन को बनाने में सक्षम।
नारी जीवन औरों को ही तू अर्पण, अपने लिए तू सोचना।